ये आयसर 2 सिलेंडर, इसकी सर्विस होनी है और आप देखें इसकी सर्विस कैसे की जाएगी। आप हमारी वीडियो में बने रहें और लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें इसका ऑयल निकालना है और फिर इसके बाद इसका ऑयल फिल्टर भी खोलना है हमें। इसका एयर क्लीनर कटोरा भी खोलना है। उसके बाद हमने ये डीजल फिल्टर भी खोल लिए क्योंकि डीजल फिल्टर भी नहीं डलते हैं। और ये गिलासी है, गिलासी को भी हमें साफ करना है। हमने सर्विस का पूरा सामान खोल लिया है। उसके बाद इसे डीजल से सफाई करनी है क्योंकि इसमें कोई गंदगी ना रहे। सफाई करने के बाद फिर इसकी फिटिंग करेंगे एक एक करके। हमने इसका चैम्बर का नट भी घसना है। हमने ये नट भी घस दिया और उसको टाट घसना है, कहीं घुल नहीं जाए। और ये ऑयल फिल्टर है, इसमें नया ऑयल फिल्टर भी लगाना है। ये ऑयल फिल्टर भी लग गया। अब इसकी गिलासी भी लगाना है, ये गिलासी भी लग गई। ये डीजल फिल्टर की पहले सबसे पहले हमें इसकी रिंगें लगानी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसमें से डीजल निकलेगा। और ये डीजल फिल्टर भी लगा दिए। हमें दोनों डीजल फिल्टर लगाने के बाद इनकी इंजन निकालनी है एक एक करके। जब तक ये नहीं भरे जाएंगे तब तक इंजन चालू नहीं होगा। इसी का ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें इनकी इंजन निकालें। तो हमने एक भर लिया, उसके बाद दूसरा भी भरना है हमें, तब जाके ये हैंड पैरामीटर टाइट होगा। तो दोस्तों अगर आपको अपने इंजन की लाइफ टाइम बढ़ानी है तो उसमें बेलवेक्स का ऑयल डालें। इसमें 7.5 लीटर ऑयल आता है और अच्छा भी चलता है। ये बेलवेक्स की बाल्टी है, जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी का तेल है। तो आपको दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों हमारा निशान तो यहाँ तो रहना चाहिए। हमारा यहाँ पे ऑल है, ये हमारा फिक्स हो गया, बस यहीं तक रखना है। तो दोस्तों हमारी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसे स्टार्ट हो रहा है।